सब्सक्राइब करें मेरे चैनल द नॉलेज अड्डा को, बेल आइकन प्रेस करें मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप यादव आपका इस चैनल द नॉलेज अड्डा में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं फेक नंबर की। किसी भी फेक नंबर को यूज करके हम व्हाट्सएप कैसे चला सकते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें जो नंबर दिखेगा वो नंबर आपका US का होगा, उस नंबर को यूज करके आप आसानी से व्हाट्सएप चला सकते हैं। इसमें आपका जो रियल नंबर होगा वो नहीं दिखेगा। बेसिकली आपको पता ही होगा, जब भी हम व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं तो हमें एक बेसिकली वेरिफिकेशन कोड आता है। जब तक हम वेरिफिकेशन कोड को एंटर नहीं करते हैं हमारा व्हाट्सएप काम नहीं करता है। तो इसमें सारा प्रोसीजर फॉलो होगा जिसे आप आसानी से यूज कर सकते हैं। जो आप जनरली व्हाट्सएप पर करते हैं सारा चीज़ें उसमें कर सकते हैं। सिर्फ इसमें क्या होगा कि वो नंबर जो होगा वो आपका रियल नंबर नहीं होगा, वो एक फेक नंबर होगा। उसके लिए बेसिकली हमें क्या है कि आपको दो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने पड़ेंगे। एक होगा पैरेलल स्पेस, सेकेंड है प्राइमो। पैरेलल स्पेस के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। बेसिकली क्या है कि जब भी आप किसी मोबाइल पे दो व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं या कोई भी एप्लीकेशन दो चलाना चाहते हैं, जैसे फेसबुक मैसेंजर हुआ या फेसबुक हुआ, देन हम इस एप्लीकेशन का यूज करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि ये ओरिजिनल एप्लीकेशन का एक क्लोन क्रिएट कर देता है। जैसे यहाँ पर लिखा है ऐड ऐप, मैं अगर यहाँ पर ऐड करता हूँ तो जितने भी एप्लीकेशन मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल होंगे सारे दिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो बेसिकली क्या करेगा, ये मैसेंजर का एक क्लोन क्रिएट कर देगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं पेटीएम का क्लोन क्रिएट है, इसका क्रिएट है, वैसे ही मैंने एक व्हाट्सएप का क्रिएट कर रखा है। इसको ओपन करते हैं तो जनरली जब हम पहली बार व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं सेम प्रोसीजर इसमें भी होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रोसीजर सब में होता है, जैसे हमने कंटिन्यू किया यहाँ पे नंबर मांगता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइमो की। ये हमारा एक मेन एप्लीकेशन है। जैसे इसको हम ओपन करते हैं आपके सामने एक ऐसा यूजर फेस दिखाई देगा। इसको हम आगे करते जाएंगे, यहाँ पर आगे गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। इसमें आपको एक रियल नंबर देना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर साइनअप पे क्लिक किया, यहाँ पे नंबर, बेसिकली क्या होगा, इस मोबाइल नंबर पर आपका एक कोड आएगा। जैसे मैं सपोज मैंने एक नंबर इंटर किया है 8890721025, हमने किया सेंड कन्फर्मेशन कोड। अब बेसिकली क्या होगा, इस नंबर पर एक कोड आएगा जिसको आपको एंटर करना पड़ेगा। एंटर करने के बाद बेसिकली क्या होगा कि आपका अकाउंट, अब चलिए अब वेट करते हैं। जैसे देखिए जो हमारे कोड आया मोबाइल पे वो आया है 086296, क्रिएट अकाउंट। अब क्या होगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जैसे फर्स्ट नेम हमने दे दिया सपोज द, लास्ट नेम हमने दे दिया नॉलेज। अब यहाँ पे यूजर नेम जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। यूजर नेम ऐसा रखिए ताकि वो अवेलेबल हो। जैसे हमने रख दिया नॉलेज 03039084, ये आपका नंबर है। ईमेल आईडी, बेसिकली ईमेल आईडी के यूज तब पड़ेगी कि बेसिकली एक वेरिफिकेशन लिंक आती है उसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हमने रख दिया अड्डा 03@gmail.com। पासवर्ड जो भी आप सेट करना चाहें सेट कर सकते हैं, जय माता दी। हमने इस पासवर्ड को कंफर्म किया, जय माता दी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अकाउंट हमने किया क्लिक साइन अप पे। अब यहाँ आ रहा इम्पोर्ट, मतलब आप कॉन्टेक्ट नंबर को इम्पोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। हमने इसको स्किप किया, हमने नो थैंक्स किया। तो स्किप करने के बाद आप देख सकते हैं कि ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपका यूजर नेम दिखाई देगा, यहाँ पर एक बटन आपको दिख रहा होगा एक्टिवेट प्रीमो प्राइमो US फ़ोन नंबर एक्टिवेट। एक्टिवेट करने से पहले सबसे पहले आपको उस मेल आईडी को खोलना पड़ेगा जिसको आपने यहाँ पे दिया था। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर एक वेरिफिकेशन लिंक आता है, उस लिंक को पहले आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक ईमेल आया हुआ है, वैलिडेट योर ईमेल एड्रेस, हमने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसको एग्री किया। यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा,
इसके बाद एक देखिए मैसेज आया, योर ईमेल एड्रेस हैज़ बीन कंफर्म, मीन्स आपका ईमेल एड्रेस कंफर्म हो चुका है। अब चलिए दोबारा वापस चलते हैं हम प्राइमो पे, देखते हैं अब हम क्या करेंगे। हमने यहाँ पे क्लिक किया एक्टिवेट, तो यहाँ पे देख रहे हो लिख के आ रहा है स्टार्ट योर फ्री ट्रायल। अब हमने यहाँ पे किया फ्री ट्रायल पर हमने बाय। अब यहाँ पे एक नंबर दिख रहा होगा, ये आपका एक फेक नंबर है जो क्रिएट हो चुका है, वो है +1 518 418 1699। अब इस नंबर को यूज़ करके हम व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट करेंगे। चलिए अब दिखाते हैं, अब चलते हैं व्हाट्सएप पे। हमने व्हाट्सएप ओपन किया, कंट्री कोड हो गया 1, उसके बाद जो नंबर जनरेट हुआ है 518 418 1699। हमने इस पर क्लिक किया नेक्स्ट, जैसे जनरली हम क्रिएट करते हैं, हमने किया ओके। अब बेसिकली क्या है कि ये नंबर आपका वेरीफाई होगा, इसके लिए आपको एक मैसेज आएगा। देखिए एक मैसेज आ चुका है आपका 192559। अब हमने इस पर एंटर किया 192559 वेरीफाइंग। अब देखिए आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। हमने यहाँ पे स्किप किया, स्किप कर दिया। अब यहाँ पे जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, सपोज हमने रख दिया, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, सपोज हमने रख दिया द नॉलेज, नेक्स्ट किया। वेट करते हैं, थोड़ा प्रोसेस स्लो है। अब देख सकते हैं आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा ओपन करके। अब चलिए अब इसका नंबर की बात करते हैं, सेटिंग में गया, ये तो हमारे कॉन्टेक्ट हैं। आप यहाँ पर नेम, जो सेम प्रोसीजर होता है आप यहाँ पर उसी हिसाब से देख सकते हैं कि यहाँ पर द नॉलेज नाम के अकाउंट आपका ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से जो भी आपको अकाउंट देखना है आप अपनी डिटेल देख सकते हैं, तो यहाँ से जो भी आपने ब्लॉक किया होगा, जो भी है मतलब कोई भी एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें बेसिकली क्या होगा कि एक फेक नंबर होगा, जिसको आप मैसेज करना चाहें उसको आप मैसेज कर सकते हैं। सपोज मैंने मैसेज किया यहाँ पे, तो मैसेज ये डिलीवर्ड होगा जैसे जनरली जो होता है। तो इस तरह से आप किसी भी फेक नंबर को यूज करके एक व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।